नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का परिवर्तन पे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एसएससी एमटीएस की डेट अनाउंस हो चुकी है और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2 मई से लेके 19 मई तक, और फिर जो दूसरी फेज़ है आपकी 13 जून से लेके 20 जून तक। ये दोनों सीबीटी 1 की ही डेट हैं, चूँकि नंबर ऑफ जो कह सकते हैं अपन कैंडिडेट हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, इसीलिए आपका एग्ज़ाम बहुत देर तक ये चलने वाला है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है। अगर बात करेंगे एमटीएस नॉन टेक्निकल में तो 11,994 वैकेंसी है आपकी, और हवलदार में देखेंगे तो 529 वैकेंसी है। अब बड़ी बात है क्या? बड़ी बात ये है कि इसमें आपका एक एग्ज़ाम है और उसी एग्ज़ाम से पूरा आपका सब कुछ नेचर एग्ज़ाम का पता चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं सीबीटी 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें होगा कि ये एग्ज़ाम आपका 2 फेज में है, यानी एक ही दिन में आपको 90 मिनट में अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब 90 मिनट कैसा? पहला जो आपको देखने को मिलेगा उसमें मैथ्स होगी और रीजनिंग होगी, दोनों के आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 40 और समय मिलेगा आपको 45। लेकिन बड़ी बात यह है, ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आप जनरल यानी यूआर कैटेगरी में आते हैं तो आप 40 का 30% अगर क्वेश्चन सही करते हैं, यानी इसको जिसको हम लोग कह सकते हैं 4-3 = 12, यानी अगर आप 12 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में सही करते हो तो आप दूसरे एग्जाम के लिए अपने आप क्वालिफाई कर जाओगे। बड़ी बात यही है कि सिर्फ 12 नंबर, जो कि मतलब बहुत ही कम कह सकते हैं एसएससी के दृष्टिकोण से, जैसे कि एसएससी की कट ऑफ आपकी जाती है, तो इसमें यूआर की अगर देखेंगे तो 12 है। यूआर यानी जनरल कैटेगरी में जो आते हैं वो कितनी है, उनके लिए 12 नंबर है। अगर भैया आप ओबीसी की चर्चा करेंगे तो वो उसमें आपके 10 नंबर है, यानी सोचिए 10 नंबर 12 नंबर, इस नंबर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें कोई कहे हम 40 में 40 ले आए तो भैया बहुत ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन नंबरों से कुछ होने वाला नहीं। ये नंबर सिर्फ आपका आने आगे जो एग्ज़ाम होगा इसी टाइम पे उसके दरवाजे खोलेगा। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा जिसमें आपकी इंग्लिश होगी और साथ में आपकी रीजनिंग होगी, इन दोनों पे ही आपका जो है वो सिलेक्शन बेस होगा। इन पे जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको 45 मिनट में ही करने पड़ेंगे। 45 मिनट में यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 50 होंगे, यानी 25 इंग्लिश के, 25 आपके सॉरी रीजनिंग के नहीं, 25 जीके के। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि इस पे आप थोड़ी सी बहुत अगर मेहनत कर लेंगे, ऐसे नॉर्मल कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा। इंग्लिश और जीके को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने के लिए आप करिए क्या, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, मैं हमेशा ही बताता हूँ। दूसरी बात, आप इंग्लिश के लिए पिनेकल ले सकते हैं, और जीएस के लिए आप कोई भी बुक अपनी, जो भी आपके पास लूसेंट वगैरह हो, आप जहाँ से भी पढ़ते हो, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, प्रीवियस ईयर को ज़रूर देखिएगा। अब ये बात मिली कहाँ से, ये बात आप इधर आपकी नोटिफिकेशन जो आपको दिख रही होगी, पैरा नंबर 8 में जाएंगे, एमटीएस में जाइएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, उसमें पैरा नंबर 8 में जाइएगा और पैरा नंबर 8 में पढ़िएगा, उसमें सर्च कर लीजिए, क्वालिफाइंग डालिएगा, उसमें देखिए लिख के आ रहा होगा यूआर फॉर 30% एंड ओबीसी फॉर 25%, वहाँ से ये न्यूज़ निकल के आती है। इसीलिए सिर्फ जो 12 नंबर वाले बच्चे हैं वो यहाँ से पास आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए हो जाएंगे, तो लगभग सभी बच्चे जो हैं ये चीज़ वो पास कर लेंगे। तो इस वीडियो में आज में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, इन्फॉर्मेटिव लगता हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।